हला तो देखो आमे का कोदला जे दिस रिएक्शन फॉलो एंटी मार्कोनिकोव रूल इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन तो आमे जस्ट टिका गुरु सब लिखि देला तापर एबे एग्जांपल करमा त रिएक्शन का देखम लिख लिख जाओ हला कि नहीं नेले पॉज करिकरी लिखि दो कि स्क्रीनशॉट नै जो हला कि नहीं तो एबे देखो मु एग्जांपल लेमे सपोज CH2 मु तुम कहली दुटा स्टेप नाम गुटेला हाइड्रोबोरेशन पार्ट करमा गुटे BH3 दमा आ गुटेला H2O2 OH माइनस तो तुम यदि एल्कीन दैथिबा आ ऊपर लिखा है तुम्हारा फास्ट रे BH3 THF H2O ना ती खबर ना मैं डिटेल्स पाई में ला आ सेकंड थी बा H2O2 इन OH माइनस यदि इन तक किसी सिस्टम तुम देखा ही थी बा BH3 जगह इधर भी लिखा ही थी बा B2H6 भी लिखा ही थी बा इन्दा भी लिखा ही थी बा कोई जानो एग्जाम रे केनता पॉसिबिलिटी ऐसी पर बा तो मैं BH3 सुनी गई तो मैं B2X6 लिख दा से समान ना तो मैं कहाँ ले भी टेक आग्रो कहें ठीक है पर तो इधर ना इथिन है तो ये सिमेट्रिक है इनो जेनो एच लगा बो जेनो ओ एच लगा बो से समान डा ठीक हो चे तो तुम्हें कहाँ पाए बो इनो CH3 CH2 तो मैं पहले मैंने बहुत घबरा सो मुझे एक जन भावु तो वादा लोग रहे क्या सर BH3 BH2 SS कहाँ दो जो इधर तो खाली H वाले लगा मैं BH3 रो दरकार कहाँ H2 उठ रखना दरकार माइंड रहा सुधरो बोचे बोचे नहीं तो जिनसो देखो पहला जिनसो मैं तुमको दो तो BH3 दी थी बात किमत आ जा रहे B2S6 भी दी थी बात इजन THF टा हुए टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान इता इता के सिंपल सॉल्वेंट है किचन हुए इ रिएक्शन में भाग नहीं लिए इनो इंपोर्टेंट है वाटर वाटर थी बात तो BH3 के बाद B2S6 नहीं THF नहीं भी दी थी बात के तैयार है तो B2S6 बा BH3 इंपोर्टेंट तार से वाटर टिके थी बात सेकंड स्टेप रहेगा 2 डिग्री लिखब H2O2 आउ OH माइनस तो ई पार्ट टा एक वाईसी हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन आ ई पार एक वाईसी ऑक्सीडेशन हमें ई पर्टिकुलरली ई रिएक्शन लगे तो ई रिएक्शन रे ऑक्सीडेशन भाग नबा आ ई हाइड्रोबोरेशन रे भाग नबा हला कि नहीं तो मेकानिजम नाइन नो यदि मेकानिजम चाहू चलो हम कितले कर देम कि एचएन भी कर देम हला कि नहीं किंतु मेकानिजम रो नीड नाइन नो बुझो छे कि नहीं तो स्टिल जो तुम मेकानिजम तुम्हें जो मेकानिजम नहीं करमा मैं तुमको कही लगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रे बुझभाटा है जिन आम फिजिकाल रे इनऑर्गेनिक रे बुझभाल में किसी भी जिनस हमें कोलेट कर पार्मा कि ऑर्गेनिक रे बुझभाल लगे आमको मेकानिजम दरकार मेकानिजम टा के ही क्वेश्चन ऑर्गेनिक के बुझभाटा कैंसी भी सब पर्टिकुलर रिएक्शन मेकानिजम थे दुनिया में जन मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ रिएक्शन अच्छे समग्र इंडिविजुअल मेकानिजम अच्छे बुझला कि नहीं तो समस्त मेकानिजम सब प्रत्येक रिएक्शन ही मेकानिजम थे तो से रिएक्शन के बुझा ले तर मेकानिजम दरकार पड़े कि आम जानते मेकानिजम ना पढ़वार आम ना पढ़वार क्या मेकानिजम ना न बहुत टाइम टेक क्या आम फिजिक्स पढ़ु मैथमेटिक्स पढ़ु केमिस्ट्री पढ़ु बहुत जिन पढ़ु तो सब जिन माइंड रखा पसबुल नुएं आम एक्सटेंड ना करवा खाली आम रिएक्शन के मन रख ठीक अच्छे मुझे तथा तुम बुझा ले मेकानिक दौ है कि नहीं तो आम लिखी स्टार्टिंग HBOटा कहना इनडायरेक्ट एडिशन लिखी क्या इनडायरेक्ट एडिशन मत बोल इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कहना सेनो वाटर थिला तो गुटे नो ओएच लागुतला गुटे नो एच डायरेक्ट लागि जाउतला किछ हमें प्रॉब्लम नै होते सेनो किंतु ई जगह रे डायरेक्ट एच आ डायरेक्ट ओएच नै लागे हेतिले सेला कना हबा इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर बुझला कने केनता होजे देख सपोज अच्छा पर इडा लिखि गुटे मु तार मेकानिजम पर जमे तमला सिमेट्रिकल आल किनेला अन सिमेट्रिकल गुटे नेमी CH3 CH CH2 एला अन सिमेट्रिकल वाला प्रोपीन नेमी इडा प्रोपीन तो इताके जदि मुई सहीटा देमी पहला स्टेप रे BH3 और वाटर टिके देमी आ सेकंड स्टेप रे देले मुई H2O2 OH माइनस तो मैं तुम पहला रिएक्शन मन रखा है जब अन सिमेट्रिकल के कहती एंटी मार्कोनिक फॉलो करब तो एंटी मार्कोनिक फॉलो कले क्या हेसी एच टा किन लगवा जिन कि अलरेडी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन तार उल्टाटा तो इन H2 होगा इन क्या जी CH2 OH ही CH3 CH2 CH2 ओएच है तो प्रोपीन रु प्रोपानॉल पाइब सिंपली वन प्रोपानॉल कि प्रोपेन वनल है कि नहीं एंटी मार्कोनिक अपन बोलब कि सर बुझी ना बोला एंटी मार्कोनिक बाबा मार्कोनिक हो एंटी मार्कोनिक है कि नहीं तो मार्को एंटी मार्कोनिक रिएक्शन हम ठीक है लिखी सारापर रिएक्शन पर मन रही तापर आम देखा कि एक्चुअली हो जाए क्या है देख एक्चुअली कहना है CH2 डबल बन CH2 मुझ BH3 मुझे कही BH3 रो गए भेकेंट ऑर्बिटल थी
तो ई जन पाई इलेक्ट्रॉनटा गुटे न्यूक्लियोफाइल है पाई डबल बॉन्डटा गुटे न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जने फास्टर पढ़ितबो जार पाके नेगेटिव चार्ज थिबा से न्यूक्लियोफाइल हे पारसी जार पाके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थिसे से भी न्यूक्लियोफाइल हे पारसी आ जार पाके डबल बॉन्ड थिसे किमा ट्रिपल बॉन्ड थिसे पाई इलेक्ट्रॉन एटा कना नेगेटिव चार्ज एटा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एटा ला पाई इलेक्ट्रॉन तो ई तीनटा सिस्टम जदि केंद्र थिसे से न्यूक्लियोफाइल हेसी कणा हेसी न्यूक्लियोफाइल हेसी तो एटा बिना न्यूक्लियोफाइल है तो ई कण करबा अटैक करबा तो ई अटैक करबा कणा ई कार्बन अटैक करबा गुटेनो पॉजिटिव हेबा हला कि नै जेन पॉजिटिव टा क्रिएट हबाय जागे रे ई एच माइनस टा कणा करबा देखि अटैक कर देबा तो जेन कार्बोकेटन फॉर्मेशन हवा से बेसी टाइम लागि नै फॉर्मेशन होय हेतिर लागि बोली नो रीअरेंजमेंट नै होय तले त ठीक आउ लिखि देलो कि देयर इज नो रीअरेंजमेंट आ रीअरेंजमेंट रो प्रभाव केतले पड़से क्वेश्चन सॉल्व कला बले तुम कहबे केतले मजा लाबा देखो हला कि नै एच अटैक कला तो इनो एच हला इनो बी एच टू लागि जीवा इनो एच टाइम के पलेला तो कणा रहला बी एच टू तो कणा फॉर्मेशन हला एटा सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू के लागला बी एच टू तो गुटे कार्बन लाला एच गुटे कार्बन लाला बी एच टू तो एबे आउ दुईटा हाइड्रोजन अच्छे तो इन देखो आगु बी एच थ्री थिला तो गुटे हाइड्रोजन लगे कण होगा इ एल्किन ग्रुप लगे तो मार्क करबो भल से देखो कणा हो चाहिए न बी एच 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 थिला गुटे हाइड्रोजन के रिप्लेस कर सी एच थ्री होगा आ सी एच टू जगह बी एच टू लगेगा तो मिनिंग देख जब भल से मार्क करबो तो ये बी एच थ्री मईटी में ई एचटा इन अटैक कर पार्टा लगेगा बी एच टू के तो सी एच थ्री सी एच टू बी एच टू तो आहरी दुईटा हाइड्रोजन अच्छे तो आहरी हेन तो सामान टाइप द्विथर रिएक्शन कण होगा ये दुईटा हाइड्रोजन के रिप्लेस कर इन दाटा आउ द्विथर लगवा तो कण हो सी एच थ्री सी एच टू बी सी एच टू सी एच थ्री आ गोटे सी एच टू सी एच थ्री इन तीन थर लगवा कहीं तीन हाइड्रोजन अच्छे तीन हाइड्रोजन के रिप्लेस कर लगवा तो ये के लिखिपारमी सी एच सी एच थ्री सी एच टू होल थ्री भी लिखिपारमी है कि नहीं तो ये कहते हैं हाइड्रोपोरेसन प्रडक्ट ये हाइड्रोपोरेसन प्रडक्ट कण है ये लिख चल इन मुझे लिखुचे सी एच थ्री सी एच टू बी होल थ्री है एवं तुम पाखे कण अच्छे एच टू ओ टू आउ ओ एच माइनस इ एच टू टू क्या लिखिपारमी ओ एच ओ एच तो यहाँ भांग इनकी क्या ओ एच माइनस हाथ में लिखे ओ एच माइनस है कि ना तो एच टू टू थी बाबू पेरोक्साइड थी ओ ओ लिंकेज थी क्या कहसी पेरोक्साइड तो इन भांगे कण होगा ओ एच हाँ कि ना तो ओ एच माइनस जन अटैक करवा इन भांगिदेव तो इन गोटे ओ एच आन गोटे ओ एच कण इन ओ एच लगे तो केतेटा जेन इन जेन होगा केतेटा तुमको एच टू टू दबा पड़वा तीन टा दबा पड़वा कहीं तीन टा मईटी अच्छे तो तीन टा एच टू ओ टू रु तीन टा ओ एच एड़के इनके हाँ तीन टा ओ एच इड़े हाँ तो तीन टा फॉर्मेशन हाँ तीन टा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच फॉर्मेशन हाँ आउ जेन बी ओ एच के तीन टा तो फॉर्मेशन होगा बी ओ एच होल थ्री फॉर्मेशन होगा ये क्वेश्चन बोरिक एसिड ते कह क्या बोरिक एसिड कण कह बोरिक एसिड तो मेकानिजम बुझा पाले तुमको कहल तो ये तुम जिन मार्क कर इनडायरेक्ट कहले कह देख ये गोटे कार्बन के जेन एच आला के नु आला व्वाटर रु एच आला के नाई के नु आला बी एच थ्री ये बी टू एच सिक्स किंबा बी एच थ्री रु आला एच प्लस आउ एच माइनस के नु आला है कि ना तुम एच टू ओ टू रु बुझला कि ना तो व्वाटर भी अच्छे तुम व्वाटर भी कही पार्ब व्वाटर भी अटैक कर पारिता कि न एच टू ओ टू रु कहीं ओ एच आला तो आमे जदिओ एच आउ ओ एच लगोच एच ओ एच व्वाटर आसी किंतु एच ओ एचटा आम व्वाटर लगाला क्या ना लगे गोटे एच आला तुम केनु बी एच थ्री रु एच लगला आ गोटे ओ एचटा एच टू टू लगा सही तो एच ओ एच लगला कि व्वाटर रू ना लगे हेतले ये क्वेश्चन तक इनडायरेक्ट एडिशन अफ व्वाटर बुझेगा इनडायरेक्ट एडिशन अफ व्वाटर यहाँ तुम हाइड्रोबोरेसन ऑक्सीडेशन रिएक्शन मन रख यहाँ पर नेक्स्ट है आ गए पढ़वा था कण ऑक्सीमर्क्युरेसन डीमर्क्युरेसन रिएक्शन हेडिंग दि तीन नंबर कण ऑक्सीमर्क्युरेसन डीमर्क्युरेसन तो इतार लगे भी मन ये लिखिदेव जो इटा से सेम जिन लिखे इट इज एन इनडायरेक्ट मेथड है कि नहीं इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर टू ओ टू इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर टू एल्किन टू फॉर्म अल्कोहल सेकेंड पॉइंट लिखिदेव जे
काना लिखि लसन इनो काना लागमा जे इनो स्टेप दरकार नै पड़े इनो में काना दागमा पर रिएक्शन लिखि दमा तो नेक्स्ट स्टेप इनो लिखि पारबो तुमे नेक्स्ट पॉइंट इज इंपोर्टेंट पॉइंट लिखि पारबो तुमे जे हियर आल्सो नो रीअरेंजमेंट इनो भी रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस नै अकर्स तो हे नो रीअरेंजमेंट अकर्स आ तीन नंबर इनो लिखबो इनो के इंपोर्टेंट हला द दिस रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकोव रूल अगेन दिस इनो लिखबो दिस रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकोव रूल इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्किन तो इ जारे कना बा अनसिमेट्रिकल एल्किन संगे मार्कोनिकोव रहला तो मन पक हम कंफ्यूज हो जुंगे देखो हमें डायरेक्ट एडिशन पल्ला एसिड कैटालिस्ट तो अनसिमेट्रिकल एल्किन लागि कना हबा मार्कोनिकोव रूल देखला तापर इनडायरेक्ट दुटा पडमा गुटला एचबीओ आ गुटला ऑक्सीमर्क्युरेशन डिमर्क्युरेशन एचबीओ रे हम देखला जे मार्कोनिकोव से हला आ इ जे केस रे कना देखम हमें सॉरी सेटा एंटी मार्कोनिकोव वाला एचबीओ रो आ इ केस रे फिर देखबो मार्कोनिकोव रे हबा इ केस रे मार्कोनिकोव रे हबा आ ताले रिएजेंट नाम काना एचजी ओएसी होल टू टेके वाटर रो ट्रेसेस थिबा आ तार संगे संगे एनएबीएच4 नामा एनएबीएच4 एनएबीएच4 तो एटा बडे रिड्यूसिंग एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट जानते बतम सुन तो फास्टर रे तो रिड्यूसिंग एजेंट ई का करबा देखो मर्क्यूरी अछि तले मर्क्युरेशन तो एसजी हमें ऐड करबा पहला ताके कमा ऑक्सी मर्क्युरेशन ताके रिएक्शन हला पर कार्बन ले पड़वा ताके कमा डी मर्क्युरेशन आ डी मर्क्युरेशन हैपन बाय योर रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज योर एनएबीएच4 दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सी मर्क्युरेशन डी मर्क्युरेशन तो हमको मैकेनिज्म इति मन रखला न तो कहबो मैकेनिज्म मते सर कहि दम अलग एन वीडियो लेके दमु मैकेनिज्म जे जानबा लागि इंटरेस्टेड हो त हम कहि देब हला किंतु हमर एबे तो नीड नै न हला तो खाली हमें रिएक्शन देखमा केनता होउ छै आ केनता हमें मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव के कंफ्यूज नै होउ से पर डिस्कस करब देख त हना भी इन लिखि दियो CH2 CH2 आई नो रिएजन कना छै तुम्हारा के HGOSC होल टू वाटर ऑफ ट्रेसेस टिक दे थेबा आ तार संगे सेकंड स्टेप रे नामा NaBH4 तो जदे इन द रिएक्शन थबा तुमे का करबो सिंपली गोटे नो H लगाबार अछे गोटे नो OH लगाबार अछे आमे जहा भी पढ़ु का करछु खाली गोटे नो H लगोछु गोटे नो OH लगोछु अलगा किछ नै करबा तो ने कना जइबा सही CH3 CH2 OH जइबा CH3 CH2 OH जइबा किंतु अनसिमेट्रिकल थिबा देखो तो यदि कंफ्यूज हो हमें प्रिपेयर एतेके रिवीजन करमाले इन क्लियर हेइबा सिमेट्रिकल केस तले किछि भाबा नै ना मार्कोनिको चिंता करबो ना एंटी मार्कोनिको चिंता करबो के घुस बानन ऑटोमेटिकली जान पर लगे दो किंतु ले अनसिमेट्रिकल एल्किन थबा से केस रे डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस जतले मैं डायरेक्ट करतना से केस रे मार्कोनिको लगाबो एचबीओ रे एंटी मार्कोनिको लगाबो आ ई केस रे फिर मार्कोनिको लगाबो तो इनो जदि मैं सही समान जिंस नेली तो का हिसाब रिएक्शन हो गेली मार्कोनिको अनुसार तो मार्कोनिको पर काना हैसी ओएच टेकनो लगाबा किमा एच टाइम लगबा जेनो कि हाइड्रोजन बेसी होजे इनो लगबा इनो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होबा आ ओएच टा इनो लगबा तो काना रिएक्शन हिबा CH3 CH CH3 आ ओएच एतकी है बुझ लागनी कंदा करूछु केते मिनट होछु बुझ लागनी इनता हिसाब तुम रिएक्शन होछ हला तो मैकेनिज्म में नै जाऊ मैकेनिज्म जदि कहबा बोले मते मैं करि देम ठीक अच्छे कि तो मतलब कहवा पर्सनल सार गोटे मेकानिजम दरकार अच्छे जेन मैंने जानवा लगे इच्छुक मुझे कहवा मुझे करदेवि ठीक अच्छे किंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लगे आमको खाली रिएक्शन मन रखार अच्छे अच्छा बाबू मुझे तुमको एम तो माइंड में कथ चल सर लास्ट क्लास जन कहते सर रीअरेंजमेंट कथा क्या कले है कि एवं जल्द एग्जामपल देखमा आ तुमको मैं प्रत्येक एग्जामपल सब चाहिए गोटे न रीअरेंजमेंट हाँ आ गोटे रीअरेंजमेंट ना हुए तो आम देखा डायरेक्ट एडिशन देखला डायरेक्ट एडिशन रे रिअरेंजमेंट हेबा आ इनडायरेक्ट एडिशन रे एचबीओ रे हो कि ऑक्सी मर्क्युरेशन डी मर्क्युरेशन रे हो तुम एडिशन ए सॉरी आम रिअरेंजमेंट ना हुए है कि ना बुझेगा मन रख पार क्या कौन अच्छा मन जो नुए रख तुमको गोटे डाटा टे गोटे चार्ट टे मन मैं तुमको लिखे दौ हे तो तुम्हें इतनी खुश हम भाई देख आम पहला पढ़ला डायरेक्ट एडिशन डायरेक्ट एडिशन जहाँ कहली जहाँ कहूँ मुई एसिड कैटालिस्ट तुम्हें सर्टकटली लिख आम खाली चार्ट बनवा निजर रब ले मन रखा लगे कैसे जल्दी मन रखी पार्मा डायरेक्ट एडिशन आम क्या कल एच प्लस सागे
H2 दला ठीक अछि आ सेनो मै कहली काना मन रखवाले इंपोर्टेंट हला तमे सेनो इंपोर्टेंट रखवाले काना मन रखली जे इन रीअरेंजमेंट हेबा हला कने इन रीअरेंजमेंट हेबा सेकंड दिन सम तुम कहली इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट रे तुम दुटा चीज कहली गुटेला एचबीओ आउला ऑक्सी मर्क्युरेशन डी मर्क्युरेशन ऑक्सी मर्क्युरेशन इस हा एचबीओ का नाला बीएच3 आउ सेकंड का नाला बीएच3 पहला आ सेकंड का नाला बीएच3 संगे H2O2 OH माइनस इनम तुम कहली जे रीअरेंजमेंट नाही हुए इनो आउट पॉइंट लिख पारबो इनो का होतला मार्क इनसिमेट्रिकल रे मार्कोनिको इनो रीअरेंजमेंट नाही हुए तो नो माइक नो रीअरेंजमेंट किंबा रीअरेंजमेंट नाही हुए आ इनो इंपोर्टेंट सोरन नंबर रखलो जिनो एंटी मार्कोनिको रे फॉलो हेबा अनसिमेट्रिकल लाग तबरे ऑक्सीमर्कुरेशन टीम से काना देखलो इनो हमें उतना काना एसजी ओएसी होल टू वाटर संगे अगुडेंशन उतना NaBH4 इनो भी रीअरेंजमेंट नाही हुए आ इनो गुटे मन जों रखो इनो मार्कोनिको ब्रेहवा एबे जे तुम खाता रे फ्रंट पेज रे रीअरेंज लिखि देलो बले सुन सो मन रहिबा के नो केंता रिएक्शन आमे काना रीएजेंट नोचू आता डेटा क्राइटेरिया केनो रीअरेंजमेंट होचे केनो रीअरेंजमेंट एबे मन रखि जइबा आराम रे हला कि नै तो इटा जे मन रखलो आमे एबे क्वेश्चन करमो आमे एबे तो बुझी पारबो कि रीअरेंजमेंट आ रीअरेंजमेंट नाही हेबार कथा मे कहां लाजे कहू छे तो अच्छा एबे देखो आमे क्वेश्चन करमा बढ़िया क्वेश्चन करमा ई क्वेश्चन करमा इ तमे सब जिंस डाउट क्लियर हे जइबा बुझियो कि नै जते मैं पढ़ी जलानो एते बेल तक सब जिंस क्लियर हे जइबा हला जते तुम भल से सुनि सुनि आउ सब बेले देखो मैं क्वेश्चन नै मी सपोज इटा मैं सपोज गोटे रिएक्टेंट नै हला ए रिएक्टेंट रे मु का दली H प्लस आ वाटर दले या पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 रे सही समान रिएजेंट नै ली आ सेथरे मैं दली BH3 फर्स्ट स्टेप रे सेकंड स्टेप रे दली मैं काना H2O2 OH माइनस आ क्वेश्चन नंबर 3 नेली सही रिएक्टेंट नेली आ सेतरे अथरे रिएक्शन काना कहली मैं SgOAC होल टू वाटर ट्रेस माने टिकट रहबा काले मैं एडिशन वाटर करू छु हला आ इन सेकंड रे काना NaBH4 तो मते कह प्रोडक्ट ए काना प्रोडक्ट बी काना आ प्रोडक्ट सी काना चेष्टा करो हला कि नै तो चेष्टा करो डी कणा केनता हवा टे भाबो दिमाग लगडी पढी जों रेडी तो पहला जिन समय अप्रोच ना नामा क्वेश्चन पहला देखो ई तीनटा जिन सरो हमें प्रोडक्ट ना पामा अल्कोहल पामा इरा जानि छौ अल्कोहल जन पामा एल्किन रे एडिशन ऑफ वाटर तो हमें जिन छुटा एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रेशन रो तीनटा रिएक्शन जानला गुडन एच लावा गुडन ई पार्ट के हम धरबान नानो धरवा जाई नानो अच्छे कहले रीअरेंजमेंट गुटन हेबा हला हेतले इंपोर्टेंट है तो सिंपली हवा हेते हवा छाड़ो नै हम एतके तो धरो नै पहला चिंता करो सीएससीएस पे हम कनावा एडिशन वाटर करनो हला कि नै वाटर रो एडिशन करनो वाटर एडिशन तो तीन जगह रे हेबा खाली गुटन मार्कोनिको लागबा गुटन मार्कोनिको बनाय लागे गुटन एंटी मार्कोनिको लागबा गुटन एंटी मार्कोनिको बनाय लागे तो मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको केस गुट रे हेबा आ गुटे केस हेबा जे रीअरेंजमेंट केन हेबा बा प्रोडक्ट अलग कना पाई पाई पारबो के कहो मते कहो बाबा टिके पॉज करो वीडियो के पॉज करो आ चिंता करो काना हबा तापर देखो बुझ बुझ तो क्वेश्चन करू हैला पॉज करी ट्राई करो मु आशा करमे कि तुम पॉज करी ट्राई करी जो तापर मे बे आंसर करू हैला देखो पहला मैं पहला क्वेश्चन करू
क्वेश्चन लिखला पहला देखो पहला में काम कर दिली अच्छा हमें इटा कना डायरेक्ट एडिशन वाटर तो इनो एच किबा इनो ओएच लागबा किंतु हम गोटे पॉइंट तुम कहिथि लिखली भूल गइथिले तुम पर कहिथिले केनो जे एडिशन ऑफ वाटर डायरेक्ट रे सेनो रिअरेंजमेंट इज पॉसिबल है तो पहला हमें मार्कोनी फिर क्या रूल है सी मार्कोनी को रूल रेफॉर्मेशन इटा अनसिमेट्रिकल तो जानि परियो कहले इनो ई कार्बन दुटा एच होला ई कार्बन गोटे एच आ गोटे एते बोटे ग्रुप लागिस तोरा अनसिमेट्रिकल है दुई कार्बन समान हुए ई कार्बन कार्बन समान है नुए तो इने अनसिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल काना लागबा तुम कहिथिली मार्कोनी को लागबा कहिथिली मार्कोनी को जन लागबा पहला में तुम फिर काल काल लेक्चर कहिथिली कि रिअरेंजमेंट ने कहिथिली हेटा इनो काम है जे रिअरेंजमेंट केनता है तो यदि मन पड़ जे ई पर्टिकुलर रिएक्टेंट के मुई एससीएल से रिएक्शन करी अलग अलग प्रोडक्ट पाइथिली तुम यदि मैं प्रीवियस ईयर सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन लेक्चर देखि जाबले जे मैं नै देखि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देमी तो एकरे तुम फास्ट आगे देखो तापर एटा क्वेश्चन को सॉल्व करबा चेष्टा कर ठीक हो जे तो एबे में का करमी एच प्लस के नबा ई नबा तो ई का करबा एच प्लस नबा तो सी एस थ्री होगा आम कही जेटा इटा जैसी ई कार्बन का हिसी गोटे पजिट आसी इटा भी मुझे कही तुमको कैंता होगा कि नहीं इन लगे सी एच इन लगे सी एस थ्री इन भी लगे गोटे सी एस थ्री तुमको कही देख तुम्हें जदि इन बल्ब क्या है रिअरेंजमेंट में प्रीवियस गोटे क्लास करी मिथाइल सीफ्ट हाइड्रोजन हाइड्रेट सीफ्ट तुम्हें जो इन एच टू देदेव तुम्हें क्या भाव कि इन एवं ओएच लगे आ तुम प्रोडक्ट क्या है सी एच ओ एच सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री आउ सी एस थ्री तुम प्रोडक्ट इटा लिखी थी तो कि प्रोडक्ट क्या क्या फुल लगे मुझे गोटे मिथाइल सीफ्ट आउ हाइड्रेट सीफ्ट तुमको गोटे लेक्चर टे बनई पार लगे तो जमें नुए देख देख डेस्क्रिप्सन बस लिंक थे है तो इटा प्रडक्ट नहीं क्या है मुझे तुमको जिते बार सेकेंडेरी है कहले इन गोटे कार्बन इन गोटे कार्बन तो दुटा कार्बन लगे सेकेंडेरी तो ये क्या है ये हाइड्रोजेन इन अच्छे ये हाइड्रोजेन क्या हाँ हाइड्राइड सीफ्ट है इनके तो ये पजिटा इनके पल तो इनके पल एक दुई तीन टर्सरी कार्बो कटा नहीं तो क्या जावा सी सी एस थ्री सी एच थ्री एवं इनके पजिट पल सी एच थी इ सी एच है सी एच टू है आ सी एच लगे क्या सी एच थ्री है बुझला कि ना तो यहाँ है बुझे तर एवं तुम्हें जो ओएचटा अटैक हवा क्या है ओएच माइनसटा किए अटैक करवा जेन तुम्हें एच ओएच है तो एच के अटैक कर ओएच माइनस पलैल तो ओएच माइनस अटैक करवा इनके तो प्रोडक्ट क्या है तुम सी एच थ्री इन ओएच बुझल तो हेतिले कहला जे रिअरेंजमेंट तुमको पढ़ेली इथिन लगे इन तुम यूज हवा पड़े ठीक अच्छे इटा है रेसन है तुम इटा के आउ गए क्वेश्चन बन पार कि तुम इटा के इन सी एस थ्री दे दि क्या है इन सी एस थ्री माइग्रेसन होता सी एस थ्री क्या होता इन इन सी एच जगह इन गोटे सी एस थ्री लगे तो इन सी एच जगह तुम प्रडक्टा से सामान तो आउ थे क्वेश्चन आउ थे लिखी पार्ब एंता तो दुटा क्वेश्चन से गोटे क्वेश्चन दुटा क्वेश्चन हो गला बुझला कि नहीं इटा है तो मार्कोनी रूल है बुझे लगे कहूँ तो जेन बेसी मार्कोनी रूल हेला मैंने एसटा अलरेडी बेसी हाइड्रोजन लगला मार्कोनी होगा तारपर कही मार्कोनी केस मैंने कार्बोकेटन फर्मेसन हो कार्बोकेटनटा रिअरेंजमेंट हो पार्बा टू टू गेन द स्टेबिलिटी तो सेकेंडरी टू टर्सरी है नेगेटिव पार्ट के लगला बुझा सेकेंड क्वेश्चन कह सेकेंड क्वेश्चन क्या थिला इनो एच थिला इनो बी एस थ्री आ गोटे एच टू ओ टू आएच माइनस थिला बी एस थ्री एच टू ओ टू ओएच माइनस थिला तो इनो जदि देखब एबे तुम्हें कह इनो मन रखमा जे इनो केन अनसिमेट्रिकल है कि ना इनो रिअरेंजमेंट ना हुए तो ई पार्ट के आमको कंसीडर करबार ना इनो बुझल कि नहीं क्या है इंपोर्टेंट इन कहली मुझे लिखी थी रिअरेंजमेंट ना हुए क्या रिअरेंजमेंट ना हुए जो कार्बोकेटन इनफर्मेशन होता है बहुत छोट टाइम लगे बहुत कम टाइम लगे तो प्योर कार्बोकेटन इनफर्मेशन ना होता है तो इन इन रिअरेंजमेंट ना हुए तो रिअरेंजमेंट ना हेल्ला कि हाइड्रोजेन सिफ्ट ना हुए बोले ये पार्टा भाग नहीं तो डायरेक्ट एडिशन होगा सरला कि एडिशन बाबा तुमको कही एंटी मार्कोनिको तो एंटी मार्कोनिको कितनी जो जिन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थी पॉजिटिव हेनके अटैक नहीं करके नहीं करवा तर ओपोजिट निके करवा तो इन सी एच टू हाँ इन कार्बोकार्बन फॉर्मेशन हाँ आ तुम ओएचटा लग जा इन तो प्रोडक्ट क्या जावा पे जदि कहीं भी स्टिल ना बुझी पार्बार प्लीज मोर प्रीवियस लेक्चर गुड़ा देख
हला तापर तुमको जे माने मालूम पड़बा मैं काना कहू छ एबे काना हिबा एबे CH2 OH फॉर्मेशन हबा हला जेन एच के से ई पाटा के पूरा इंटैक्ट रे होला तापर इनो जे मार्कोनिको बोले काना कहू जे मार्कोनिकोपटा हे इनो CH3 लाग देता इनो OH लाग देता जेंदु एंटी मार्कोनिको पाए इनो काना हबा इनो CH2 OH हिबा आ इनो H लागबा तो CH2 CH2 OH हबा तो इनो जदी एबे तुम फेर एकटा क्वेश्चन बने पारबो जदी इनो CH3 जगह रे तुम कंफ्यूज करबा लागि एच जगह रे CH3 दे दिदा तो से इनो भी मो कह जे रिअरेंजमेंट नै होय तो सही इनो काना पाइति तो खाली एतकि चाहि दिदा समान प्रोडक्ट पाइति तो बुझो जे काना कहू जा तब रे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखमा नेक्स्ट क्वेश्चन काना थला CH3 CH3 CH डबल वन CH2 रे SG OSC होल टू H2 रो टेट रेसेस तापर दुई नंबर हला तुमर काना Na BH4 ई Na BH4 में तुम कहितले रि इनो भी रीअरेंजमेंट नै होए तो ई पार्ट इनो जे ई हाइड्रोजन टा इनो भाग किछि नै नि तो एज इट इज रहबा इनो खाली भाग नबा तुमर एल्किन हला कि नै आ रिएक्शन तुम कहितले काना मार्कोनिकोब रहबा तो मार्कोनिको भले काना हसी इनो एच लागबा इनो ओएच लागबा तो प्रोडक्ट लिखि देबा आराम रे CH3 CH3 इनो एच लागला किछि प्रॉब्लम नै होइनो तो इनो लागि जेबा तुमर CH OH आउ इनो हेबा CH3 तो बुझियो मैं केनता प्रोडक्ट चेंज चार करले तुमर डायरेक्ट सही रिएक्टेंट थिला सही एडिशन वाटर है तो तीनटा तुम अलग अलग प्रोडक्ट पाबलो तुम सही एडिशन हेतले ई तीनटा एग्जांपल बहुत बहुत एंड बहुत इंपोर्टेंट बुझे लगे तो इन देखने हमें आज देखना जे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड तापर नाइट्रस एसिड देखरी हमें एमाइन देखला आ थर्ड इन सोजिन मोस्ट इंपोर्टेंट एल्किन रो देखला आ एल्किन के साथ कने कहू छु हाइड्रेशन ऑफ एल्किन आ से हाइड्रेशन ऑफ एल्किन में तुम कहली डायरेक्ट प्रोसेस रे भी परबा इनडायरेक्ट प्रोसेस रे भी परबा डायरेक्ट प्रोसेस रे कहू छु मैं एसिड कैटालाइज कहू छु गुटनो एच लाइक गुटनो ओएच लाइक पा ऑन सिमेटिक आसले मार्कोनिको रूल फॉलो करबो कहली आ हना आउडे केस कने कहबो मन रखबो जे माने अरेंजमेंट हबा तापर इनडायरेक्ट कहली इनडायरेक्ट केस रे में कहली कि दुईटा रिएक्शन गुटे एचबीओ रिएक्शन आ गुटे ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन एचबीओ रिएक्शन जेले कहली तुमको एचबीओ रे तुम कहली जे सनो रिअरेंजमेंट ना होय कि दुई रिएक्शन रिअरेंजमेंट ना होय किंतु मोर रखबो जे एचबीओ रे सोले एंटी मार्कोनिको पर फॉलो करबो बहुत इजी आ तुमर ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन गाना मन रखबो जे सनो मार्कोनिको रे रिएक्शन हबो आ रिएजेंट चिन्ह भले तुम कहली जे बीएससी दिथवा एच2 जानबो जे एचबीओ रिएक्शन है त मर्क्यूरी वाला जे एनएबीएच पर दिथवा त जानबो एटा ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन रिएक्शन है ठीक अच्छे तो इन हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ना आओ भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन अच्छे जैसे कि कार्बोनिक कंपाउंड पढ़मा एल्डिहाइड कीटोन को प्रिपेयर करमा ग्रीन एंड रेजन को प्रिपेयर करमा तो आगे वीडियो भी आसवा मेथड ऑफ प्रिपरेशन रे हला कि तो एबे तुम का करो एबे तुम प्लीज मतलब रिक्वेस्ट कर छे प्लीज प्लीज मैं प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस ना करो तो इनसो मन ना रहे देखो मैं तुमको बहुत बढ़िया से तुमको कहवाले चेष्टा करू छे हला कि तो ताके यूटिलाइज करो प्रैक्टिस करो मात्र आधा घंटा घंटे कि दुई घंटा काम लगवा जदि वांस न तरे रिवीजन कर तुम्हें कहू जा बारंबार वीडियो के देखी देखी बेले तो प्रैक्टिस या माइंड फिट हो जाए माइंड जो वांस फिट हो गला भविष्य में तुमको बहुत काम दे कि भी नीड जे क्वेश्चन तुम इजिली कर पार बुझेगा कि नहीं तो आई होप कि तुम्हें पढ़ु है कि नहीं तो नेक्स्ट क्लास में देखा नेक्स्ट प्रिपेरेसन अल्कोहल आ गोटे नेक्स्ट प्रिपेरेसन कार्बोलिक कंपाउंड रू प्रिपेयर कर ठीक अच्छे बाय बाय।